हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि आप किस तरह से अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट के अंदर किस तरह से आप पासवर्ड लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कंप्यूटर आपके अलावा भी कोई और यूज़ करता है और अगर आपने अपने एक्सेल शीट के अंदर कुछ एंट्रीज इस तरह की डाली जो किसी के हाथ ना लगे, यानी कि जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं, तो इसके अंदर आप किस तरह से पासवर्ड लगा सकते हैं और किस तरह से अपने पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बताऊंगा आपको मैं अपनी इस वीडियो में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से हम एक्सेल शीट के अंदर पासवर्ड लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी इस शीट के अंदर कुछ वैल्यूज वगैरह डाली हैं, मुझे इसके अंदर कोई पासवर्ड लगाना है, तो मैं इसको करूँगा सेव। यहाँ से फाइल के अंदर जाके इधर मेन्यू बार के इधर जो फाइल होता है, सबसे पहला हमारा मेन्यू बार जो होता है वो होता है हमारा फाइल। तो फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, फिर आपको क्लिक करना है अपने सेव एज के ऊपर। सेव एज के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा ब्राउज़र, तो ब्राउज़र के ऊपर आपको क्लिक करना है और मैं इस फाइल का नाम लिखता हूँ MS Excel। तो फ्रेंड्स, इसके सबसे लास्ट में जो आपको एक ऑप्शन दिया हुआ था वो होता है आपका टूल। टूल्स के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा जो है जर्नल ऑप्शन। ये जर्नल ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, जर्नल ऑप्शन के बाद आपके पास दो पासवर्ड आते हैं, एक होता है आपका पासवर्ड टू ओपन और दूसरा होता है पासवर्ड टू मॉडिफाई। तो फ्रेंड्स, पासवर्ड टू ओपन के अंदर आप वो पासवर्ड डालेंगे जिससे आप अपनी MS फाइल को, एक्सेल की फाइल को आप ओपन कर सकें। इस पासवर्ड के बगैर आप अपनी फाइल को ओपन नहीं कर सकते। और मॉडिफाई का पासवर्ड जो होता है उसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी फाइल के अंदर कुछ चेंजिंग वगैरह करना चाहें तो आपको ये पासवर्ड डालना पड़ेगा। जैसे मैं अभी पासवर्ड डालता हूँ पासवर्ड टू ओपन। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया इसके अंदर अजीम। मैं करूँगा इसके यहाँ से ओके, फिर ये मुझसे दोबारा पासवर्ड मांग रहा है कन्फर्म पासवर्ड। मैं वापस इसके अंदर वही पासवर्ड डाल दूँगा अपना अजीम, फिर यहाँ से कर दिया मैंने इसको ओके। ओके के बाद आपको सेव के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने सेव कर दिया। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपने एक्सेल की फाइल को कर देंगे क्लोज। यहाँ से आपने फाइल को क्लोज कर दिया और फिर मैं अपनी फाइल को ओपन करूँगा यहाँ से। ये देखिए, मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, मुझे इसके अंदर पासवर्ड डालना है। मैंने इसके अंदर पासवर्ड डाल दिया, अब मैं करूँगा इसको ओके। तो फ्रेंड्स, जब तक आप इसके अंदर पासवर्ड नहीं डालेंगे तो ये फाइल आपकी ओपन नहीं हो सकती। और इसके बाद जो मेरा दूसरा पासवर्ड है वो है पासवर्ड टू मॉडिफाई। उसके क्या फ़ायदे होंगे, वो किस तरह डालते हैं आप इसके अंदर मैं बता दूंगा आपको। तो आपको जाना है अपनी सेव एज के ऊपर, ब्राउज़र, ये फाइल का नेम आपका यही रहेगा, इधर से टूल्स के ऊपर जाना है, जर्नल ऑप्शन। तो पासवर्ड टू ओपन वो आपने डाल के रखा है इसके अंदर, और पासवर्ड टू मॉडिफाई वो भी मैं डालता हूँ इसके अंदर। ये मैंने डाल दिया पासवर्ड टू मॉडिफाई, और इसके बाद दोबारा कन्फर्म पासवर्ड मांग रहे हैं मुझसे, तो मैं इसके अंदर डाल दूंगा दोबारा से वही पासवर्ड जो मैंने इसके अंदर सेव किया था। तो कंफर्म सेव एज मुझसे पूछ रहा है ये, तो मैं कर दूंगा इसको यस। तो फ्रेंड्स, अब जब तक मैं इसके अंदर पासवर्ड नहीं डालूंगा तो ये इसके अंदर मैं कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया इसको। अब मैं दोबारा से फाइल ओपन करूंगा अपनी, तो पासवर्ड टू ओपन का पासवर्ड मुझसे मांग रहा है, मैंने पासवर्ड इसके अंदर डाल दिया। अब मुझसे दूसरा पासवर्ड मांग रही है पासवर्ड टू मॉडिफाई। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है तो आप अपना पासवर्ड डालेंगे इसके अंदर। अगर आपको खाली पढ़ना है तो आप इसके अंदर रीड ओनली करेंगे। अगर आप रीड ओनली करेंगे तो इसके अंदर आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। चेंजिंग करने के लिए आपको लाजमी इसके अंदर पासवर्ड डालना है, और अगर आपको खाली पढ़ना है तो आप रीड ओनली के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं दिखा दूँगा आपको, अभी आपने सिर्फ रीड ओनली के ऊपर क्लिक किया है। अगर मैं इसके अंदर कोई भी चेंजिंग करूंगा तो ये सेफ नहीं होगी इसके अंदर। जैसे मैं इसके अंदर डालता हूँ अपना
तो फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ वगैरह डाली हैं, अब मैं देखता हूँ ये इसके अंदर सेव होती हैं या नहीं। मैं करूँगा यहाँ से फाइल के ऊपर क्लिक, सेव एस ब्राउज़र, और फाइल का नाम यही रहने दूंगा और कर दूंगा मैं इसको सेव। अब मैं यहाँ से इसको काटूंगा इधर से क्लोज, और वापस अपनी एम एस एक्सेल को ओपन करूँगा। तो पासवर्ड टू ओपन ही मुझसे मांग रहा है, मैंने ओपन किया इसको, पासवर्ड टू मॉडिफाई। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसके अंदर का पासवर्ड डालूंगा तो मैं इसके अंदर चेंजिंग कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे खाली पढ़ना है तो मैं रीड ओनली करूँगा। रीड ओनली करके मैं देखूँगा कि इसके अंदर जो मैंने चेंजिंग करी थी वो हुई या नहीं इसके अंदर। तो मैं रीड ओनली करूँगा, देखें इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। और फ्रेंड्स अगर आपको इसके अंदर से पासवर्ड हटाना है तो आप इसके अंदर से पासवर्ड हटा सकते हैं, जैसे फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे और सेव एस ब्राउज़र, तो आपको टूल के ऊपर क्लिक करना है, फिर जनरल ऑप्शन, और फ्रेंड्स आप इसके अंदर से जो पासवर्ड आपने डाला है इसके अंदर वो आप रिमूव कर सकते हैं। मैंने पासवर्ड हटा दिए हैं दोनों, और इसके बाद मैं करूँगा यहाँ से ओके। ओके के बाद सेव के ऊपर क्लिक, ये मुझसे कन्फर्म सेव एस पूछ रहा है कि वाकई ये करना है या नहीं, तो मैं इधर यस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो फ्रेंड्स इसको क्लोज करने के बाद जब मैं इसको ओपन करूंगा तो अब ये मुझसे कोई पासवर्ड नहीं मांग रहा है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स इसके अंदर से पासवर्ड हट गया है आपका। अगर आपका एक्सेल शीट आपके अलावा भी कोई दूसरा शख्स यूज करता है तो आप इसके अंदर पासवर्ड लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई परेशानी है या कोई बात पूछनी है तो आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I'm gonna go to the